तो दोस्तों बिग बॉस ओटीटी फिनाले का लेटेस्ट वोटिंग रिपोर्ट आ गया है और यहाँ पर किसको कितना वोट मिला है चलिए मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले इसी तरीके से लेटेस्ट वोटिंग रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए खबरी मन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में बताना कि आप एल्विस और फुकरा में से किसको सपोर्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के एक इंटरव्यू की, जहाँ पर उनसे पूछा गया कि क्या एल्विस यादव के वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद फुकरा इंसान के जीतने की संभावना बहुत ही कम हो गई है। इस बारे में ट्रिगर्ड इंसान ने क्या बोला है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उनके आने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगा कि अब थोड़ा सा खतरा हो गया है अभिषेक के लिए? नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक पहले जो एक यूट्यूब कम्युनिटी पूरी अभिषेक के साथ थी वो अब थोड़ी सी स्प्लिट हो गई, वो डिवाइड हो गई एंड अभी वो दोनों के लिए मतलब ऐसा है कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं विच इज फाइन ऑब्वियसली एंड लाइक आई डोंट माइंड। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि आई वुड हैव बीन हैप्पी अगर सिर्फ एल्विश होता तो वी वुड हैव सपोर्टेड हिम क्योंकि एज अ फेलो यूट्यूबर आई थिंक वो करता मैं, बट ऑब्वियसली नाउ अभिषेक घर में है एंड ही इज माय ब्रदर, ही इज माय रियल ब्रदर, तो मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगा। तो आपको तो पता ही होगा कि एल्विस यादव की गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा और एल्विस यादव का ज्यादा बातचीत नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे के बारे में डायरेक्टली कुछ बोलते भी नहीं है। पर रिसेंटली बीयू के चैनल पर कीर्ति मेहरा का एक पॉडकास्ट था जहां पर वो खुलकर एल्विस यादव के बारे में बात की और वो एल्विस यादव को सपोर्ट करते हुए उनके बारे में क्या बोली है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब उनको दिख रहा होगा ना मेरे को, मतलब ऑब्वियसली शायद कमेंट सेक्शन अपना ना देखते हो, जैसे उन्होंने बोला कि मैं तो देखता ही नहीं, पोस्ट करता हूं चला जाता हूं। तो मुझे लगता है अगर गलती से देख भी रही होंगी या उनकी टीम भी देख रही होगी तो कहीं ना कहीं उन्हें पावर तो दिख रही होगी कम्युनिटी की, क्योंकि सलमान खान का कमेंट सेक्शन भर देना वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी ने डायरेक्ट पंगा लिया है कि जाके कमेंट करके आ जाते हैं कि कुछ भी कमेंट कर दिया अपनी कम्युनिटी से या फिर जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम लिख दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा होगा कि कोई तो स्ट्रॉन्ग पावर आई है। साथ ही बिग बॉस के अंदर आपने देखा होगा कि मनीषा रानी जो है वो एल्विस यादव के साथ फ्लर्ट करती रहती है और उन बोलती रहती है कि मैं एल्विस यादव से शादी करूंगी और फलाना ढिमका, तो मनीषा रानी पर वो रिएक्ट की और मनीषा रानी के बारे में उनका क्या सोचना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मनीषा अगर सामने आ जाए तो क्या करोगे? मैं बोलूँ सुनिए ना मेरी बात सुनिए तो समझिए बस ये बोलूँगी, बोलूंगी यार बस भाई अपनी ब्रेक के लगा थोड़ी सी, मतलब वो मौका नहीं देती सामने वाले को बोलने का। तो मेरे को लगता है बोलती सही बात है पर मेरे को लगता है सामने वाले की भी आपको कभी कभी सुननी चाहिए, तो वो बचपने में सामने वाले की नहीं सुन पाती अपनी बोल देती है। वैसे अच्छा खेल रही है काफी। तो रिसेंटली जिया शंकर रिएक्ट की एल्विस यादव के मीटअप में जहाँ की बहुत ही खतरनाक वाला भीड़ हो गया था, मतलब कि अनकंट्रोल्ड भीड़, और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1,00,000 लोग वहाँ पर पहुंच गए थे और लास्ट में मीटअप को भी कैंसिल कर देना पड़ा था। तो उसी चीज पर जिया शंकर रिएक्ट की वो क्या बोली है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एल्विस भाई का मीटअप देखा, कौन सा मीटअप, मतलब पता चला मुझे उसके बारे में भी। वाह यार मैडनेस, इतने सारे लोग एक साथ आ गए थे। एल्विस के साथ ब्लॉग बनाओ यस, और डेफिनेटली जब वो आएंगे बाहर। तो अब बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी फिनाले के लेटेस्ट वोटिंग रिपोर्ट की, तो यहाँ पर नंबर 5 पर है बेबिका धुरुई और बेबिका धुरुई को अब तक मिले 25,102 वोट। नंबर 4 पर है पूजा भट्ट और पूजा भट्ट को अब तक मिले 72,506 वोट। नंबर 3 पर है मनीषा रानी और मनीषा रानी को अब तक मिले 10,78,651 वोट। नंबर 2 पर है फुकरा इंसान और फुकरा इंसान को अब तक मिले 50,98,982 वोट। और नंबर 1 पर है सिस्टम यानी कि एल्विस यादव और एल्विस यादव को अब तक मिले 51,75,324 वोट। तो अभी तक का लेटेस्ट वोटिंग रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया, अगला रिपोर्ट जैसी आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो इसी तरीके से लेटेस्ट वोटिंग रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए खबरी मैन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में बताना कि एल्विस या फिर फुकरा।